अफेयर में एक आदमी की जान चली गई, इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है? 29 मार्च का इंसिडेंट है, मिडनाइट में इंसिडेंट हुआ है। कुछ लोग मुर्गी चुराने के इरादे से पहले गांव शिवकर गांव पनवेल सिटी के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, वहां पे मुर्गी का आवाज होने की वजह से जो इसमें कंप्लेंट है, इन्होंने ये उठे, इन्होंने अपनी मुर्गियां घर के अंदर ली, उस बीच इनका दरवाजा जो है वो खुला रह गया। आरोपियों ने घर के अंदर एंट्री करके पहले मोबाइल चुराया, कुछ कैश चुराई है, जिसके बीच इसमें से जो डिसीज है, विक्टिम है, इसको नींद से उड़ गया। इसको देखते ही जब आरोपी भागने लगे, उनका पीछा इसने विक्टिम ने किया, इसको उनको धर दबोचा, इनमें हाथापाई हुई और इसी के बीच में आरोपियों ने कुराड़ी से और चाकू से इस पर वार किया। बाद में इसकी डेड बॉडी और पूरा जो उसका एविडेंस है इसको नष्ट करने के लिए घसीटते हुए डेड बॉडी दूसरी तरफ लेके गए, हाईवे के दूसरी तरफ, और वहाँ पे डेड बॉडी डाल दी। बॉडी के साथ कुछ हथियार भी मिले, कुछ वहाँ पे हमको फिजिकल एविडेंसेस मिले। यूनिट 3 क्राइम ब्रांच नवी मुंबई की यूनिट 3 की टीम PI कोड़ेकर, API खरोटे पवार, हेड कांस्टेबल मोरे पाटिल, इन्होंने अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया, कुछ टेक्निकल एविडेंसेस देखे, जिसके तहत आरोपियों तक पहुंचा गया। आरोपियों ने इससे पहले भी कुछ मुर्गी चोरी के इंसिडेंट्स किए, उनके इन्होंने किए हैं, गुने किए हैं, कुछ जगह पे गुटखा चुराना, छोटी मोटी चोरियाँ की है।